नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, सीरीज में हम देखेंगे आपके जोडियक साइन मेष टू मीन, और क्योंकि ये अगस्त महीने की रीडिंग होगी, सो अगस्त मंथ जो है वो नंबर 8 आता है और इस साल का पूरा टोटल नंबर 8 है। सो डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को बता रही है, आपके सक्सेस को बता रही है। सो इस टाइम आपके करियर में कोई ग्रोथ या फिर कोई सक्सेस बहुत लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं, और बहुत फोकस अपने करियर पे करें और करियर को बेटर करने की कोशिश करें। इस मंथ 8-8 का पोर्टल भी है बीच में, तो 8-8 की पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। बहुत कर्मा फोकस रहें, कर्मा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, सो एक्शन ओरिएंटेड रहें इस साल। जो भी अपने करियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो चेंज आपको करने हैं, वो ज़रूर करें इस टाइम, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करें। सो इस सीरीज में हम देखेंगे आपके जोडियक साइन में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ की रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग हम करेंगे, और बाकी के पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ओवरऑल लाइफ में देख सकते हैं, जहां हम यू नो सिंगल को कवर करेंगे, मैरिड अगर आप हैं हस्बैंड वाइफ उसको कवर करेंगे, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप तो हम स्टडीज़ देखेंगे आपकी। ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस करियर फाइनेंस हेल्थ ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज का आप, और गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस 15 डेज के लिए, हम सब कुछ देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ की रीडिंग हम पहले करेंगे। सो फिर से क्वेश्चंस यही आएंगे कि हमें देखना कैसे है मैम। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, जैसे कन्वीनियंट है आप देखते हैं, अपनी राशिफल को आप चेक करते हो, है ना, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे देखना आप चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट करती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें, ठीक है। सो सारे रीडिंग धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वृक्षिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृक्षिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होंगे और गाइडेंस क्या होंगी आपकी, हम ये चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, ठीक है। टैन प्लीज़ गाइड मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अगस्त टू 15 अगस्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 1 अगस्त। ओके, मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 1 अगस्त टू 15 अगस्त प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। एंड नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 5, 6, 2, 8, 3, 9, 10, 8 एंड 8, ओके।
5-5 और 8-8 की एनर्जी है, कुछ चेंज इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, ठीक है। ये इंसान ओवरऑल लाइफ में एक सॉरी बोलने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, गलतियों को रियलाइज़ करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं इंसान। नेगेटिविटीज़ जो भी इनके अंदर थी उनको रिलीज़ करके एक प्यार का प्रपोजल आपको देने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, कि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि पूरा दिन इसके बारे में इंसान सोच रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में मैच्योरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं मैच्योरिटी दिखाना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं और ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाई जाए, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को डील किया जाए। ये ऐसे फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। ये इंसान बहुत इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं, सो इस टाइम ऐसा हो सकता है कि ये इंसान फ्यूचर को सोच के थोड़ा शांत रहे अभी, या फिर आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करे अपने आप को। ये जानबूझ के अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे आपसे, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि या तो दो लोगों में या दो सिचुएशन में ये इंसान थोड़ा सा उलझेंगे और इस टाइम आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्शन में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा डिस्कनेक्ट होंगे। एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप इनको प्रपोजल दो, आप सॉरी बोलो, आप मनाओ, आप न्यू बिगनिंग करो, और अगर आप नहीं करोगे तो ये इंसान थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्ट होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। ये आपको अपना डिवाइन लव मानते हैं, ये आपको माई गुडनेस, इनको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं इंसान, और इनको ऐसा लगेगा कि मैच्योरिटी चाहिए इस रिश्ते में, अपने आप को चेंज करना, ग्रो करना या विजडम गेन करना। इनको ये सब पता है कि ये सब सारी चीज़ें स्पिरिचुअली ही ये इंसान आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस टाइम थोड़ा सा ये इंसान अपने आप को आपसे दूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और दूर जो कर रहे हैं ना वो खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत डिसअपॉइंटिंग वाली एनर्जी है। डिसअपॉइंटेड रहेंगे, थोड़ा लॉस फील करेंगे, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं कि आप सब कुछ सही करें, ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, बातचीत यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, या तो ये बात नहीं कर पाते हैं आपसे, बात करने में प्रॉब्लम है, मतलब फ़ोन करने में प्रॉब्लम है, या तो किसी के प्रेशर में है इंसान, किसी के कंट्रोल में, जो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और है इनके लाइफ में जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है और ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक स्पीड, एक ग्रोथ इनको ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। आउटकम में ये इंसान ज़रूर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन फिर भी अगेन वही एनर्जी दिख रही है, जहाँ ये इंसान मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अगेन वही कभी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कभी मूव ऑन करना चाहते हैं, कभी आपसे आके सॉरी बोलना चाहते हैं, कभी डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। सो थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे बार बार कनेक्ट करना चाहेंगे और फिर नहीं करेंगे, खुद को रोकेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो देखिए फिर से एक मूव ऑन की एनर्जी वहाँ पे है, जहाँ पे इनको एक दिन लगेगा मूव ऑन करना है, एक दिन लगेगा आपसे कनेक्ट करना है, फिर एक दिन लगेगा मूव ऑन करना है, एक दिन लगेगा कॉल करना है। ऐसे उलझेंगे ये इंसान, और उलझ के अगर ये इंसान को कॉल कर लिए तो बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी बहुत कंफ्यूज दिख रही है, जहाँ पे दो मन है इनका और दोनों जगह ये इंसान जगल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या तो आत्मा और इनकी दिमाग के बीच युद्ध है, या फिर दो सिचुएशन है, या फिर दो इंसान हैं जहाँ ये पिस रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इस टाइम एक डिसीजन लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है। एक अलग पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, विजडम चाहिए यहाँ पे, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करना है, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज इनको समझ में आएंगी, लेकिन ये करेंगे क्या ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि स्टक है इंसान। अगर ये अपने उलझनों में निकल गए तो ये कॉल करेंगे आपको, अगर उलझनों में उलझ के रह गए तो ये कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं ठीक से, ठीक है। सो यस, आपकी एनर्जी में ओवरऑल एनर्जी सेलिब्रेशन सक्सेस की है। आप मुझे इस इंसान को कट ऑफ करते दिख रहे हो अपने लाइफ से, जहाँ ओवरऑल एनर्जी आपकी सक्सेस सेलिब्रेशन की है। आप नहीं बताओगे इस इंसान को कि आप क्या करो लाइफ में, और आप अपने सक्सेस और सेलिब्रेशन में ज़्यादा फोकस करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मैरिज अटेंड करते दिख रहे हैं, कुछ लोग कुछ इवेंट को अटेंड करते दिख रहे हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आपकी, ठीक है, जहाँ पर आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं और आपकी कोई इंटेंशन नहीं है। फीलिंग्स में आप थोड़ा ज़्यादा रूड बिहेव करेंगे इनसे, या फिर कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे इनको, जो कि करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। अगेन आपकी भी इंटेंशन यही है कि आप इस रिश्ते में काम करो, या फिर अपने आप को ग्रो करने में आप काम करो। आपको पता है कि स्पिरिचुअल होना है आपको इस जर्नी में, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं, आपको पता है, और इंटेंशन में है आपके कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, ग्रो करो, विजडम गेन करो, ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
इनकी एनर्जी में आप ऐसा देख रहे हो कि इंसान अगर ऑफर देना भी चाहते हैं तो बहुत स्लो है, अगर ये मैरिज का कमिटमेंट देना भी चाहते हैं तो ये बहुत स्लो है। मे बी ये इंसान टाइम मांग रहे हैं आपसे कि इनको टाइम चाहिए मैरिज कमिटमेंट के लिए, और आपको ऐसा है कि आप टाइम देना नहीं चाहते हो, जो करना है वो अभी करना है, ऐसी वाली एनर्जी आपकी है। लेकिन आपके पर्सन अभी टाइम लेना चाहते हैं और यू नो उनकी जो ऑफ़र है ना वो बहुत, यह तो बहुत समय से आ रहा है ऑफ़र, या फिर अभी बहुत टाइम लगेगा उनको ऑफ़र लेकर आपके पास आने में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ वो बहुत स्लो है, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला ना बहुत कन्फ्यूज है इंसान। सो धीरे धीरे बढ़ेंगे आपकी तरफ, लेकिन बढ़ आपकी तरफ ही रहेंगे इंसान, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा आपके लिए, पेन जो है ना, तकलीफ आपकी, या फिर इंसान जो आपको बिट्रे करते हैं वो आपके लिए पेन रहेगा इस टाइम। सो आप इस टाइम बहुत कन्फ्यूज रहेंगे इनसे कनेक्ट करना है कि नहीं करना। अगर ये ऑफ़र लेके आ भी गए तो भी आप कन्फ्यूज होंगे कि इनको एंटरटेन करना है कि नहीं करना, और ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, आप सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। अगेन हाइड्रोफेंट की एनर्जी आपके आउटकम में है, जहाँ पे ये इंसान भी वही सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और आप भी वही सोच रहे हो कि स्पिरिचुअली ग्रो करना है ताकि ये रिश्ता बेटर हो सके, ठीक है। सो इस टाइम आप दोनों का फोकस जो है ना वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ रहेगा, अपने आप को ग्रो करने में रहेगा, विजडम गेन करने में रहेगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो यस, मुझे इनकी तरफ से कोई ऑफर या कॉल इस टाइम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर ये अपनी उलझनों से निकल जाएंगे तो ये ज़रूर कॉल करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत उलझे हुए हैं ये इंसान, ठीक है। सो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। डिवाइन मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। डिवाइन 1st August to 15th August प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश की साइन हो सकते हैं एरीज दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यस। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 4, 16, 6 दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये इंसान इस टाइम थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होके रहेंगे, इगोइस्टिक रहेंगे, और अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए दिखेंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि इनको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहिए आपसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इस टाइम पर ओपन अप होंगे आपसे, क्योंकि थोड़ी सी इस टाइम इनकी एनर्जी थोड़े से इंसान ईगो में दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी दिख रहा है इनके ऊपर, कि इनके ऊपर कुछ किया कराया वाला है, या फिर आप कुछ कर रहे हो स्पेल वर्क, ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी फीलिंग्स में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को किंग ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप भी बोलना नहीं चाहते अपनी फीलिंग्स, आप सामने से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, आप वेट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान मुझे रिस्क लेते नहीं दिख रहे हैं, हालांकि एक यू नो फ्रेंडशिप वगैरह ज़रूर चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप, यू नो उसके आगे इंसान नहीं सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, एक टीम वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत शुरुआती, बहुत नॉर्मली कैजुअल टॉक करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रपोज वगैरह मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ इंसान कैजुअली लेके जाना चाहते हैं रिश्ते को, मुझे भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है, आप वेट कर रहे हो, आपको पता है कि इंसान आपको प्रपोज करेंगे, आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत जज नहीं कर रहे इस इंसान को, आप वेट कर रहे हो, गो विद द फ्लो में आप हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है, मे बी इस इंसान का एक ब्रेकअप हुआ है, जिसके चलते ये रिलेशनशिप में बहुत जल्दी एफर्ट्स नहीं लेंगे, ये हील नहीं है पास्ट के रिलेशनशिप से, जिसमें कि अगर इस रिलेशनशिप में ये इंसान आ भी जाएंगे तो इनकी पास्ट के रिलेशनशिप की एनर्जीज को लेके आएंगे वो, और फिर इस रिश्ते को भी वो ख़राब करेंगे, ठीक है। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि आप एकदम से तुरंत से आप चाहते हो कि ये आपको प्रपोज करें, कोई प्रपोजल दें, बात आगे बढ़े, जो कि हो नहीं रही है, और आपके लिए ऑब्स्टिकल है ये।
और आपके लिए ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आउटकम में मुझे नहीं दिख रहा कि इंसान प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो ब्रेकअप या फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर तबीयत ख़राब, कुछ ऐसा है, हेल्थ इशूज़ कुछ, या फिर हेल्थ इशूज़ कुछ ऐसा है जहाँ इस इंसान को शांति और सुकून चाहिए। अभी अभी इंसान आपको प्रपोज करने के लिए या फिर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप रेडी हैं न्यू बिगनिंग के लिए, लेकिन फिर भी आप शांत रहेंगे। आप चाहते हो इस इंसान को प्रपोज करना, कुछ स्टार्ट करना, कुछ पैशनेट स्टार्ट आप दोनों के बीच हो, लेकिन फिर भी आप इस टाइम साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे इनको, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे। आपकी आपको देख के इनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप चाहते क्या हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है और एक द वर्ल्ड की एनर्जी है। पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिख रहा है कि इंसान प्रपोज करेंगे आपको। ऐसा हो सकता है कि आप इनको प्रपोज करो लेकिन आप बहुत क्लियरली ओपन अप ना हो, मतलब बोलो आप लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ और आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे वृक्षिक राशि वाले इन 15 डेज का, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या गाइडेंस होंगे मेरे वृक्षिक राशि वालों के लिए, क्या नए परिवर्तन बदलाव एक्सपीरियंस करेंगे मेरे वृक्षिक राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1st August to 15th August क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे वृक्षिक राशि वाले व्यूअर्स के लाइफ में डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 24, 26, 6, 17, 11, 5 and 10, ठीक है। बाउंड्रीज की एनर्जी आपके ओवरऑल लाइफ में है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप एक बाउंड्री सेट करोगे अपने ओवरऑल लाइफ में। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सप्रेसिव थे तो इस टाइम में कम एक्सप्रेस करोगे, आप अपनी फीलिंग्स को थोड़े से मिस्टीरियस रहोगे और उन लोगों को जो आपके साथ सही से बिहेव नहीं करते हैं या फिर उन लोगों को जो कि आपको तकलीफ दे रहे हैं उनके लिए एक बाउंड्री आप बनाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जो कि आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो कि आपको हर्ट कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आप एक बाउंड्री सेट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। थोड़े विजडम गेन करते भी दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे वृक्षिक राशि वाले, ठीक है। एंसेस्ट्री की एनर्जी यहाँ पे आपके करियर में है। अगर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे पास्ट के कुछ समय से अपने करियर में, तो यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स अपने करियर में देख सकते हो आप। जस्टिस मिलता दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। या तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन, या आप बहुत हार्डवर्क कर रहे थे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, या आप बहुत दिन से बहुत हार्डवर्क कर रहे थे और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो इस टाइम आपके काम को जस्टिस किया जाएगा यहाँ पे। या तो अप्रिसिएशन मिलेगा आपको या प्रमोशन मिलेगा, या जो आप चाह रहे थे, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है इस टाइम पे। वेटिंग जोन में है आप, किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने बहुत किया, बहुत मेहनत किया है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसका कि आप वेट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल, उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए। सो कुछ ना कुछ यहाँ वेटिंग जोन मुझे दिख रहा है जिसका वेट आप कर रहे हो और आपको लगता है कि यू नो, आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। सो एक हीलिंग, एक ब्लेसिंग्स मिलती दिख रही है जो कि आपके एंसेस्टर्स से आपको मिल रही है, ठीक है। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई सैलरी का इंक्रीमेंट होना, या फिर नए जॉब का लगना, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ होना, या कहीं आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ से फाइनेंशियल ग्रोथ होना, या वीज़ा के लिए अगर ट्राई कर रहे थे तो यू नो, वीज़ा अप्रूव होना, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें, कुछ गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि द स्टार की एनर्जी है। सो यहाँ पे आपके ऊपर लाइमलाइट पड़ रहा है करियर में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे थे, जो हार्डवर्क आप कर रहे थे, उसको इस टाइम जस्टिस मिलेगा और आप लाइमलाइट में आओगे यहाँ पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। सो अपॉर्चुनिटी की एनर्जी यहाँ पे आपके
रिलेशनशिप में है। वन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में है। माय गुडनेस, रिलेशनशिप यहाँ पे हील हो सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि बिल्कुल आपके एनर्जी के होंगे, आपके कंपैटिबल होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज इस टाइम फिक्स हो सकती है किसी सोलमेट के साथ आपकी। अगर मैरिड हैं आप तो आपके हस्बैंड वाइफ से अच्छा समय बीत सकता है। अगर आप अगर आप डिवोर्स फाइल किया था आपने तो डिवोर्स यहाँ पे जजमेंट मिलता दिख रहा है आपको, आपके फेवर में जा सकती हैं चीज़ें। और कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। पास्ट के पर्सन वापस आ सकते हैं। करेंट पार्टनर के साथ समय बहुत अच्छा बीत सकता है। सो लव लाइफ में मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। अगर फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हुए थे तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती दिख रही हैं। और इस टाइम अपने लाइफ को अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। बहुत सिमिलर एनर्जीज रहेगी दोनों की। और एक सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत अच्छा टाइम होगा, ठीक है। बहुत पैशनेट होंगे दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत रोमांटिक होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। हेल्थ में, हेल्थ थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, तो इस टाइम पे एकदम से हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम थी और आपने अगर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है, कुछ टेस्ट अगर करवाया है आपने, तो क्लियरिटी मिलेगी आपको ठीक करने के लिए, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। इस टाइम थोड़े से आपको एफर्ट्स लेने पड़ सकते हैं। या फिर मुझे लग रहा है कि चीज़ें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस टाइम आपको, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे लोअर पोर्शन में आपके कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, या तो पाइल्स हो सकता है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, या फिर बैक पेन हो सकता है, सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे मुझे ये लग रहा है, कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर टेस्ट वगैरह कराने पड़ रहे हैं आपको, या फिर कुछ डाउट अगर हो रहा है, तो मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं, मेडिकल हेल्प ज़रूर लें इस टाइम, ठीक है। कॉशिस की एनर्जी आपके ऑब्स्टेकल में है, कहीं आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है और वहाँ जानबूझ के आप पंगा ले रहे हो, तो एकदम ना ले। हाँ, इस टाइम किसी को मनाने की कोशिश ना करें, कोई ऑफर देने की कोशिश ना करें, इस टाइम किसी ऑफर का वेट ना करें, इस टाइम कंफ्यूज ना रहें। बहुत क्लियरिटी की ज़रूरत है इस टाइम पे। जहाँ आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जहाँ पर लॉस हो सकती है, ठीक है। सो इस टाइम अगर घर वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं, मैरिज का सोच रहे हैं, इस टाइम फिक्स ना करें। देखें ज़रूर लेकिन फिक्स ना करें। अगर कोई ऑफर इस टाइम पे मिलता है, कोई प्रपोजल मिलता है अगर, तो बहुत ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास ना करें, उसके बारे में और ज़्यादा पता करें। और उसके बाद अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप, अगर कोई जॉब का ऑफर है या फिर इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट का ऑफर है, जो भी है, एकदम देख सूझबूझ के साथ आपको आगे बढ़ना है इस टाइम पे। ये 15 डेज में थोड़ा सा और कॉशियस होना है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। आउटकम में कम्युनिटी की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज गाइड, कम्युनिटी क्यों है यहाँ पे आउटकम में? डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। ओके, कोई सक्सेस मिल सकती है आपको। मैंने बोला ना कि लाइमलाइट में रहोगे इस बार, कोई सक्सेस मिल सकती है। जहाँ बहुत अटके हुए से थे आप, वहाँ चीज़ें सही हो सकती हैं। कोई चेंज आ रहा है आपके अंदर, ठीक है। या तो आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, जहाँ बहुत स्टक थे आप, वहाँ से आप निकल रहे हो बहुत सक्सेसफुली। और रिलेशनशिप में हो सकता है कि मैरिज वगैरह हो सकती है, या फिर अगर छुपा हुआ रिश्ता है ये, तो ये सामने आ सकता है लोगों के। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इसलिए कॉशियस की एनर्जी है, ठीक है। अगर छुपा हुआ रिश्ता है तो ये सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। स्टक फील करेंगे आप, और सक्सेस भी रहेगी, सक्सेस कुछ चीज़ों में रह सकती है, जैसे कि फाइनेंस में, जॉब में सक्सेस मिल सकती है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा अलर्ट रहें, अगर आपका छुपा हुआ रिलेशनशिप है, अगर आपकी छुपी हुई रिलेशनशिप है, ठीक है। सो यस, इस टाइम मुझे लग रहा है कि वृश्चिक राशि वाले लाइमलाइट पे रहेंगे अपने प्रोफेशन में, ठीक है। थोड़ा सा गाइडेंस हम देख लेते हैं कि क्या डिवाइन गाइड करना चाहते हैं मेरे वृश्चिक राशि वालों को। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, गाइडेंस फॉर माय स्कॉर्पियंस डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज।
recognize the sign from above. Angels are sending you a message now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. Divine भी आपको कह रहे हैं कि अलर्ट रहने के इस टाइम, ठीक है? डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं कि अलर्ट रहने के लिए इस टाइम पे. एंजल्स आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप इतने बिजी हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आप समझ नहीं पा रहे, आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं. डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अलर्ट रहें और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहें. ओके, बी द रियल यू. यू आर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बींग हु यू ट्रूली आर, बट डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ. अगर आपको ये बोलता है ना कि आप ऐसे हैं, आप वैसे बात मत करो, आप वैसे मत दिखो, आप ये मत पहनो, आप वो मत पहनो, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप जिसमें कॉन्फिडेंट होते हैं, आप वो काम करें, ठीक है? क्या करना चाहिए मेरे स्कॉर्पियंस को इस टाइम डिवाइन? क्या करना चाहिए मेरे स्कॉर्पियंस को इस टाइम पे? Please guide my dear angels one more time, please. Sure. Intuition, balance, connection, spirit, divine self. ऑरेंज की एनर्जी है. अपने सैक्रल चक्र और रूट चक्र को बैलेंस करें यहाँ पे, ठीक है? इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी बैलेंस बनाएं, कनेक्शन फील करें, मतलब कनेक्शन बिल्ड करें डिवाइन के साथ. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस. आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से. मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें. लाइक ज़रूर करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ. वीडियो को लाइक करें. अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है. सो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें. शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले. वीडियो को ढेर सारा प्यार दें अगर कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो. चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.